पुराने जमाने में ये अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं जब से टीवी और ये आ गए सब। तो महाराज कठपुतलियां होती थी, मंच होता था, उसमें लड़ती थी, डांस भी करती थी, सब कुछ, हाथ मटक रहे हैं, तलवारें चल रही, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, सब कुछ, कमर लटक रही, सब कुछ हो रहा है। उमा दारू जो सुत की नाई समय न चावत, लेकिन वो जो होती है ना उनके हाथों में पांव में सिर में धागे बंधे रहते हैं, पीछे जो पर्दा होता है उसी रंग का वो धागा होता है, और ऊपर में जो पर्दा होता है ना उसके ऊपर में एक तख्त बना रहता है, उसमें एक आदमी बैठा रहता है। जो दोनों कठपुतलियां हैं उन दोनों कठपुतलियों के हाथ पांव सिर के धागे उसके उंगलियों में बंधे रहते हैं, और वो ही उधर से जो है उनसे सब लीला करवाता है। लेकिन लोग सामने देखते हुए कठपुतलियों को देखता है, लेकिन जो ऊपर जिसके हाथ में उनके धागे हैं जिसके सारे पर वो नाच रही उन्हें कोई नहीं देखता है। नट मरकट इव सवही नचावत राम खगेश वेद असगावत, ऐसे ही भगवान सारी दुनिया को नचा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं। बिभ्रदवासा कनक कविजम, पीतांबरी का वस्त्र अत्यंत सुंदर झिलमिला रहा है। वैजयंती चमाराम, वैजयंती एक पेड़ होता है और उसका जो फल होता है कच्चे में तोड़ लो उसको छेद कर सकते हो, बाद में पकने पर वो पत्थर की तरह जम जाता है। हमारे वृंदावन में आओगे तो बिहारी जी के रास्ते में वो वैजयंती की मालाएं मिलती हैं। अब वैजयंती कोई कोई रत्नों की माला भी बना देते हैं पंचरत्नों की, लेकिन वैजयंती एक ये वर्ण स्वरूप का वर्णन है। वैजयंती चमालाम रंध्रान बैनो रधर सुधया पूर्यन गोप वृंद्रई, भगवान श्याम सुंदर बांसुरी के कोमल कोमल छिद्रों पर जब उंगलियां रखते हैं अत्यंत सुंदर सुराग निकलता है। वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति, भगवान श्याम सुंदर गौचरण लीला करने के बाद में गायों के बाद में जब वृंद लेकर के जब गाय वृंदावन में प्रविष्ट होते हैं उस समय का वर्णन, गोपियां समझ लेते हैं कि भगवान ने बांसुरी बजाई अब वो गाय चरा करके लौट रहे हैं, फिर वो गीत गाती है। जब बांसुरी बजती तो एक सखी कहती है क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं सखी है बड़ी अद्भुत लीला हो रही है, त्रेता में भगवान राम सीता को भगवान राम को प्राप्त करने के लिए सीता जी ने गौरी जी का पूजन किया था, इस समय उल्टा हो गया है, ये द्वापर है, इसमें भगवान श्याम सुंदर राधा जी को प्राप्त करने के लिए शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, था ये तो बांसुरी बजा रहे हैं। बोले नहीं ये बांसुरी है कौन, तुम जानती हो कौन है ये बांसुरी, का वंशस्तु भगवान रुद्रः, ये बांस शंकर जी का अवतार है, इसलिए हमारी माताएं बांस की लकड़ी जलाती नहीं है, बांस शंकर जी का प्रतीक है। तो ये बांसुरी कोई और नहीं है, साक्षात भगवान शंकर जी ही बांसुरी बनकर के आए हुए। और फिर क्या करते हैं ये ब्राह्मण लोग, जब देवताओं का पूजन कराते हैं तो वेद मंत्र बोल करके ठाकुर जी को आसन देते हैं, और आसन देते हैं तो कहते हैं पुष्पम आसनम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि नैवेद्यम, और क्या करते हैं फूल रख देते हैं कि प्रभु जी इस आसन पर बैठो। फूल क्यों रखते हैं, क्योंकि अत्यंत सुकोमल होता है। तो महाराज भगवान कृष्ण जी ने कहा हे शंकर जी आपको हम आपको कौन सा सुकोमल फूल आसन दें, तो उनका मेरे अधरोष्टों से ज्यादा सुकोमल और कौन हो सकता है, इसलिए आओ भगवान शंकर जी हमारे होष्टों को ही आप आसन बना करके विराजमान हो जाओ। तो बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो विभ्रत वासा कनक कवशम, और क्या करते हैं कहते हैं फिर देवता के ऊपर छत्र लगाते हैं, तो छत्र क्या है, कहा ये जो मोर पंख है यही भगवान शंकर जी के ऊपर छत्र लगा दिया है। फिर जब आरती करते हैं तो चमर डुलाते हैं कर्णयो कर्णिकारम, भगवान शंकर जी जब सुमधुर बांसुरी बजाते हैं दोनों कानों हिंड कोनों के कुंडल हिलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि भगवान श्याम सुंदर शंकर जी के इन कुंडलों के माध्यम से चमर डुला रहे हैं, ऐसे चमर की तरह झूलते हुए नजर आते हैं। फिर आरती भी उतारते हैं, कैसे आरती कैसे उतारते हैं, का नाक के आगे जो उनका हीरा लटक रहा है वो हरे रंग की बांसुरी पर गोल गोल जब झूमता है किरण की चमक निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि श्याम सुंदर भगवान शंकर जी की आरती उतार रहे हैं। आरती नहीं उतारते चरण भी दबाते हैं, बोले वो कैसे, कहते रंध्रान बैनो रधर सुदया,
बांसुरी के छिद्रों पर जब उंगलियां रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो चरण दबा रहे हैं भगवान शंकर जी के। और उसके बाद में भोग भी लगाते हैं, कहते कैसा भोग, कहते भगवान के जिस अधर सुधारस को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग तरसते हैं, भगवान श्याम सुंदर वही अधर सुधारस इस बांसुरी में भर देते हैं, इस शंकर जी को भोग लगाते हैं। और फिर आवाज भी प्रार्थना भी करते हैं, कूक करके कहते हैं, कूक करते हुए कहते हैं कि हे भगवान श्याम सुंदर, हे भगवान शंकर जी, वृषभानुजाम चमाम देही, वृषभानुजा राधा रानी को आप मुझे प्राप्त करा दो, ऐसी वो आवाज लगाते हैं। सुंदर वेणु गीत का वर्णन है, गोपियां कहती हैं उन वृक्षों को देखो, वृक्ष हिल नहीं रहे हैं। जिस रास्ते से गोविंद गायें चरा के आ रहे हैं उस रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ों की जो बड़ी बड़ी शाखाएं, उन शाखाओं के ऊपर पक्षी आकर के बैठ गए, छोटे छोटे पक्षी। सखी कहते हैं वृक्षों को साधारण मत समझो, तो ये कौन है? का प्रायः बतांबु बिहेगो मुनिया वने अस्मिन अस्मिन वने, ये मुनिया पशवा वृक्षा संति सर्वे मुनिया, इस वृंदावन में जो भी वृक्ष हैं, पशु हैं, लता पताकाएं हैं, जो गाय हैं, बछड़े हैं, पक्षी हैं, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, क्यों यहां पर निवास कर रहे हैं? का कृष्णेक्षितम, ये केवल नंदनंदन श्याम सुंदर का एक क्षण मणि दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर बैठे हुए। ये वृक्ष बड़े साधक है, इन्होंने अपनी भुजाओं को फैला दिया है, और छोटे छोटे पक्षी जो घास के कारण गोविंद का दर्शन नहीं कर सकते, उनसे कहते आओ मेरी इन भुजाओं में बैठ करके अपने ईश्वर का दर्शन करो, जीवन को धन्य करो। प्रायः बताम्बु बिहेगो मुनिया वनेश्मन कृष्णेक्षितम तदुत्तम कल वेणुगीतम, एक सखी कहती उन हिरणों को तो देखो, अभी जब तक गोविंद आए नहीं थे यहाँ पर खड़े हुए थे, अब जब गोविंद बांसुरी बजाते हुए बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं, ये भाग करके जा रही हैं हिरणियां। कहते हैं धन्योपि मूढ मतेऽपि हिरण एता, कहा नहीं नहीं ये मूर्ख नहीं है, ये बड़ी ही बुद्धिमान है। कैसी बुद्धिमान है? का इनको ये मालूम हो गया है कि अब भगवान श्याम सुंदर आने वाले हैं, इनके पति लोग झुरमुट में सो रहे हैं, इसलिए हरणियां दौड़ करके अपने पतियों को जगाने जा रही हैं कि अब गोविंद आने वाले हैं, अब जाग जाओ और गोविंद का दर्शन कर लो। फिर गोपियां कहती वो देखो जो हिरणियां पहले गई थी सा कृष्ण साराह, वो लौट रही हैं अपने काले मृग चरम वाले हिरणों के साथ में। तो कृष्ण साराह कहकर के ये बताया, कृष्ण है चरम जिसकी, ऐसा नहीं का कृष्ण एव सारो एसाम सा कृष्ण सारा, कृष्ण ही जिनके जीवन धन बन गए हैं ऐसे इनके पति हैं। हमारे पति के जी हमारे पतियों के जीवन के कृष्ण सार नहीं है, अस्मत पतया तो अभिमान सारा, हमारे पतियों के सार तो अभिमान बन गया है, वो भगवान को भी नहीं समझते।